हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6। तो इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है हम लोगों, पर्टिकुलर शिफ्ट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई 2π प्लस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, 2π + π/6 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 2π/6 और 2π/6 सब टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो कॉस 2π + π/6 इज इक्वल टू कॉस 5/6, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 5/6। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, टैन इनवर्स टैन ऑफ 7π/6, टैन इनवर्स टैन ऑफ 7π/6, इसका भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, ये बन जाएगा टैन इनवर्स टैन ऑफ 5 + π/6, क्या बनेगा 5 + π/6, तो ये जो है 5 + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या है पॉजिटिव, ये भी आराम से निकल जाएगा, टैन इनवर्स टैन 5 + π/6 इज इक्वल टू टैन 5/6, और पॉजिटिव है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो आ जाएगा 5/6। बहुत आसान से हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल दे दोनों का, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4। तो इसको प्रूफ करने हमको क्या क्या, इसको सॉल्व करके इसको लेके आना, बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे साइन से हम टैन को लेके आ सकते, बट इसी को अगर हम करेंगे 2 ऑफ टैन समथिंग, 2 इसको टैन में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्म में आ जाएगा, जब हम लोग साइन इनवर्स 3/5 को tan में चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आंसर tan में चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है 2x/1 - x², ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या होगा क्या करेंगे, tan इनवर्स x का ही मतलब ये जो टर्म इसको tan में चेंज करेंगे, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a और साइन ए इज इक्वल टू 3/5, मैंने क्या किया साइन इनवर्स 3/5 को मैंने ए लिया, जिससे साइन ए मिल गया 3/5, तो इससे मिल जाएगा कॉस ए, कॉस ए क्या आएगा कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - sin² साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25, तो आंसर आएगा 4/5, तो कॉस ए की वैल्यू आ गया 4/5। तो इसी तरह हम लोग टैन ए का निकालेंगे, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, टेन इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए की वैल्यू हमको पता है 3/5 और इसका पता है 4/5, कॉस ए का 4/5, अभी हम लोग को टेन का वैल्यू मिल गया दैट इज 3/4। तो हम क्या किए, देखते हैं कि क्वेश्चन में साइन से टेन का वैल्यू पूछा है, तो हम साइन इनवर्स 3/5 को हम ए ले लिया जिससे साइन ए मिल गया, फिर उससे हम कॉस ए निकाला, उससे हम टेन ए निकाला। अब क्या करेंगे देखिए, टेन ए इज इक्वल टू टेन ए इज इक्वल टू 3/4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, मैंने a को क्या लिया था sin इनवर्स 3/5 लिया था, अब a को मैं a क्या आ गया 3/4, तो a हो जाएगा क्या हो जाएगा LHS, LHS इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स 3/5 था, अब ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, क्यों मैंने इसी को a लिया था, अब a का वैल्यू a आ गया, तो अब ये तो ये फॉर्मूला के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 3/4 / 1 - x² मतलब 9/16। तो चलिए सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2, तो tan इनवर्स 3/2 / 7/16, तो आंसर इज इक्वल टू tan इनवर्स, टेन इनवर्स इन दोनों को इंटू करने से कितना आएगा, तो 8 × 24/7, टेन इनवर्स 24/7, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो होप आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, बस जस्ट ये फॉर्मूला को हमको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन में पूछा है, दो साइन दिया है टेन में पूछे, तो कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम
LHS को लेके जब करेंगे तो हमको, अगर इसको हम टैन में चेंज करेंगे, इसको भी टैन में चेंज करेंगे, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमको क्या चेंज करना, लेट इसको हम लोग को टैन में चेंज करेंगे, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 एंड बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। मैंने क्या किया, इसको ए ले लिया, इसको बी लिया, क्यों लिया, मैं इसको चेंज टैन में चेंज करूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 8/17 एंड साइन बी इज इक्वल टू 3/5। तो इससे कॉस ए निकाल देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा 64, इसका आएगा 289, तो अंडर रूट 289 माइनस 64/289, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा 225/289 का अंडर रूट, और दिस इज बिकम 15/17 कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू 15/17। इसी तरह यहाँ से कॉस बी कितना आएगा, कॉस बी आएगा 4/5, सॉल्व कर लीजिए सेम इस तरह आपको मिल जाएगा 4/5। तो अभी यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा टैन इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, तो आ जाएगा 8/15। सिमिलरली टैन बी इज इक्वल टू साइन बी बाई कॉस बी, दैट इज 3/4। तो मैंने क्या किया, इसको इसको चेंज किया टैन, और टैन में इसको मैंने ए लिया, जैसे साइन आ गया साइन से कॉस, कॉस से टैन, सिमिलरली इस ए पार्ट हो गया। तो अब हम प्रूफ करेंगे, हम डालेंगे टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, तो टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, ये फॉर्मूला है। तो टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए की वैल्यू कितना है 8/15 प्लस टैन बी की वैल्यू 3/4 होल डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, 8/15 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कैंसिलेशन 5, अपना सॉल्व करने की कोशिश करिए, एलसीएम होएगा 60 ऊपर में 32 प्लस 45 होल डिवाइड बाई 5, दैट इज 5 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 5, दैट इज 12। आंसर इज इक्वल टू 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 दैट इज 77, और 12 इंटू 3 दैट इज 33, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ ए प्लस बी, तो टैन ऑफ ए प्लस बी ये हो जाएगा, तो ए प्लस बी क्या होएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स 77/36। और ए और बी क्या है, ए का ये हम क्या लिए थे, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स बी का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या आया 77/36। बहुत आसानी से करें, क्या किया हम लोग, क्वेश्चन में दिया था 2 साइन दिए थे लेकिन आंसर हमको टैन में चाहिए था, तो दोनों साइन का जो रेशियो, तो हमने क्या, हमने क्या किया टैन में चेंज किया, टैन में आंसर निकालने के बाद फिर हम लोग टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाले, वैल्यू पुट करे, बाद में टैन ए प्लस बी इक्वल 77/6 आया, ए प्लस बी को एक साइड रख के टैन को उससे ले गया 70, प्रूफ हो गया, और ए और बी को चेंज किया जो हमने पहले लिए थे साइन में, तो प्रूफ हो गया दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 5th क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 4/पाई प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65, तो दोनों साइड कॉस है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आ जाएगा आंसर, तो चलिए करते हैं। तो लेट लेट ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13, कॉस ए मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, कॉस बी इज इक्वल टू 12/13, याद है, समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट इससे हम साइन निकालेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5, अब फॉर्मूला डाल के कर लीजिए आ जाएगा, यहाँ से साइन बी आके इसको मैं करा दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बाई 169, तो ये आ जाएगा
ऊपर बचेगा 25 यानी 5 इसका रूट है, नीचे 30। तो कॉस ए कॉस बी से हम साइन ए और साइन बी निकाला। तो अब क्या करेंगे, आंसर हम लोग को कॉस में चाहिए, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। तो डाल दीजिए वैल्यू, तो कॉस ए कॉस बी का पता है हम लोग को, कॉस ए कॉस बी दैट इज 4/5 12/13 12/13 माइनस साइन ए 3/5 इंटू साइन बी 5/13 और यू नो जैसे में 65 क्योंकि 5 13 5 13 65 तो 4 12 48 माइनस 3 5 15 तो आंसर इज 33/65। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस ए प्लस बी आ गया हमारे पास 33/65 सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 और ए और बी का हम चेंज करें, क्या लिए थे, ए को लिए थे कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 एंड प्रूफ एंड प्रूफ। तो समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके था। तो हम क्या किए थे, साइन कॉस में तो ज़्यादा टेन में वो सब फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम साइन कॉस से साइन निकालें, कॉस बी से साइन बी निकालें, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी पुट आउट करें तो आंसर निकल के आ गया। तो आंसर आ गया तो प्रूफ भी कर दिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/35। तो साइन का टर्म है कॉस का टर्म है लेकिन आंसर चाहिए हम लोग को साइन में, तो करेंगे क्या, तो करेंगे सेम जैसे पहले करते थे, ये इज इक्वल टू कॉस इसको लेंगे और सेकंड पार्ट को लेंगे बी, ठीक है। हमको आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए, याद रखिए हमको आंसर किस में चाहिए, साइन में चाहिए। इससे आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 12/13, इससे मिलेगा हम लोग को साइन बी इज इक्वल टू 3/5। कॉस ए इज इक्वल टू 12/13 तो साइन ए कितना आएगा, साइन आएगा लास्ट वर्ग रहेगा दैट इज 5/13 करके देखिए। उसी तरह साइन बी 3/5 दिया है तो कॉस भी कितना आएगा 4/5। अब इससे हम लोग को टैन ए निकालना है क्योंकि हम लोग को किस में चाहिए, साइन में चाहिए। तो देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला साइन क्योंकि हम लोग आंसर किसमें चाहिए, साइन में चाहिए था। तो वैल्यू पुट आउट कीजिए, तो साइन ए कितना है 5/13 इंटू 12/9 क्योंकि कॉस बी 4/5 प्लस साइन बी दैट इज 3/5 एंड कॉस ए दैट इज 12/13 जस्ट सिंप्लीफाई एलसे में बिकम 65 बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 13 × 5 13 × 5 तो मल्टीप्लाई 20 एंड 3 is 36 द आंसर इज 56/65 द आंसर इज ऑलमोस्ट तो आगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू 56/65। तो अब यहाँ से हम लोग साइन को उस साइड लेके जाएंगे तो आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये को क्या लिया था, ए को लिए थे कॉस इनवर्स 12/13, बी को लिए थे हम लोग साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बहुत आसान तरीका था। तो बस हम लोग को पता करना है कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हमको आंसर किस में चाहिए था, साइन में। इसीलिए साइन का फॉर्मूला पहले सोचना, अगर मैं साइन का फॉर्मूला डालूंगा तो उसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी आएगा, तो मेरे को साइन का टर्म भी चाहिए, मेरा कॉस का टर्म भी चाहिए। बट मेरे को क्वेश्चन में दिया है कॉस का टर्म, इससे मैं साइन निकाल सकता हूँ, तो कॉस साइन दिया जिससे हमको कॉस निकाल सकता हूँ। तो इस तरह सोच के अगर करते रहेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग आगे क्या कैसा पुट आउट करने से क्या निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, टैन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे देखिए हमको राइट साइड से लेफ्ट साइड को प्रूफ करना है, बट यहाँ पे साइन और कॉस है लेकिन हम लोग आंसर टैन में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, टैन में चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 एंड बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
थ्री बाई फाइव। तो इधर से आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 5/13 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 3/5। साइन ए मिल गया, कॉस भी मिल गया, अब टेन के लिए क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए, अगर साइन ए 5/13 है तो कॉस बी, कॉस ए कितना हो जाएगा 12/13। करके देखिए आप, तो टेन बी कॉस बी 3/5 है तो साइन बी आ जाएगा 4/5। एंड टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए दैट इज 5/12 एंड टेन बी इज इक्वल टू साइन बी बाई कॉस बी दैट इज 4/3। नाउ वी हैव फॉर्मूला टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, व्हाट इज फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाई 1 minus 10a 10b। ये फॉर्मूला पता है हम लोग को, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 minus 10a 10b। क्यों हम लोग फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग आंसर 10 में चाहिए था। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए दैट इज 5/12 प्लस टेन बी दैट इज 4/3 होल डिवाइड बाई 1 minus 5/12 इंटू 4/3। हमने क्या किया, हमने इसमें वैल्यू पुट किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम 48 आएगा दैट इज 15 प्लस 48 तो करिए एलसीएम आएगा 36 15 प्लस 48 होल डिवाइड बाई ये आएगा 36 minus 20/36 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इज 63 एंड दिस इज 16। आंसर 63/16। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 63/16। उसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16 ऑलमोस्ट आ गया। तो अभी ए और बी की वैल्यू रहेगी, ये क्या था साइन 5/13 प्लस बी था कॉस इनवर्स 3/5। आंसर इज टेन इनवर्स 63/16। तो हमने क्वेश्चन को देख के पता कर लिया कि आंसर हमको टेन में चाहिए, तो हम साइन और कॉस को क्या किए, हमने साइन और कॉस को टेन में चेंज करे। तो इसीलिए साइन को साइन और साइन से टेन ही निकाले, इससे हम टेन भी निकाले, फॉर्मूला में पुट आउट करें, फिर हम लोग टेन में वैल्यू आ जाएगी। तो कर लिया।